भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंहप्रिय गौतम के बयान ने तहलका सा मचा दिया है। वे अटल जी और आडवाणी जी के साथ ही रहे हैं और उनकी उम्र 88 साल की है। वे नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों की तरह मार्ग नहीं देख रहे हैं, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। वे मार्ग दिखा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नेताओं को खुला पत्र लिखकर मांग की है कि शिवराज चौहान को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, नितिन गडकरी को उप प्रधानमंत्री घोषित किया जाए और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश भेजा जाए। इस फेरबदल के बिना 2019 के चुनाव में भाजपा का लौटना मुश्किल है। गौतम जी के सुझाव लागू होंगे कि नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि भाजपा की सारी बातों का पता सिर्फ दो भाइयों को ही रहता है। उनमें से एक भाई को घर बिठाने का सुझाव गौतम जी ने दे मारा है। दूसरे भाई की उपलब्धियां जितनी राहुल गांधी ने गिनाई हैं, उनसे ज्यादा इन्होंने गिना दी है। पता नहीं दूसरे भाई को हटाने की बात उन्होंने क्यों नहीं कि आप एक भाई को हटाएं या दोनों भाइयों को। अब बात बननी मुश्किल लगती है। यदि दोनों भाई जरा भी पानीदार होंगे तो अपनी पार्टी और अपने देश में अपनी हालत देखकर खुद ही इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उससे होगा क्या? यदि गडकरी को आज प्रधानमंत्री क्यों प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो वे अगले 4-5 माह में क्या कर लेंगे? हाँ, यदि वे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी कदम उठा लें, नए राम मंदिर की नींव डाल दें या पाकिस्तान से कोई भारी भिड़ंत हो जाए तो हो सकता है कि लोग उन्हें हाथों हाथ उठा लें और उनके नेतृत्व में किसी तरह भाजपा सरकार बना ले। इसमें शक नहीं कि राजनाथ सिंह, गडकरी या सुषमा स्वराज जैसे लोग प्रधानमंत्री होते तो भाजपा को 2019 में लौटने की चिंता नहीं सताती, लेकिन सर्वज्ञ जी की वैमनता और कृतघ्नता से भाजपा के वरिष्ठ नेता और संघ तो नाखुश है ही। भारतीय राजनीति में पक्ष और विपक्ष के संवाद का स्तर भी पाताल को छू रहा है। धीरे धीरे ही सही, अब वे 31% मतदाता जिन्होंने मोदी को कुर्सी पर बिठाया था, मोहभंग की स्थिति में हैं। यदि 2019 के चुनाव में भाजपा जीते नहीं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, तब भी सरकार बनाना उसके लिए मुश्किल होगा, खासतौर से भाई भाई नेतृत्व के कारण। जो नेतृत्व अपनों का ही दिल नहीं जीत सका, वह दूसरों का क्या जीतेगा? हाँ, उस समय गडकरी, राजनाथ और सुषमा जैसे योग्य, व्यवहारिक और विनम्र लोग नेतृत्व में हों तो भाजपा की सरकार दोबारा बन सकती है।